अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस तरह की वीडियो कैसे बनती है। तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसके लिए आपको स्क्रीन वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने मोबाइल को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद ये नोट्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू नोट पर आना है। ठीक है, अब इस सिचुएशन जिस तरह की बिल्कुल पड़ा हुआ, इसी सिचुएशन में आपको 8-10 सेकेंड की वीडियो बनानी है। स्क्रीन वीडियो जो होता है मोबाइल के अंदर सिस्टम, उससे बनानी है, किसी और मोबाइल से नहीं। ठीक है, अब जिस तरह अभी अगर आपको समझ नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह करने के बाद ये जो ऑप्शन है ना, इस स्क्रीन इसके ज़रिए, ठीक है, अब ये तकरीबन 8-10 सेकेंड हो गए। उसके बाद आपको करना क्या है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एल्बम में अगर आपकी कोई ऐसी तस्वीर वगैरह पड़ी है तो आप उसको क्लिक कर लें, जैसे मैं इसे कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह करने के बाद 2-3 सेकंड इस तस्वीर को भी छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको YouTube खोलना है। YouTube के अंदर आप लिखोगे बफरिंग लोडिंग ग्रीन स्क्रीन। अब इसमें बहुत सारे दिखा रहा है, जो आपको पसंद है आप वो उठा लें। जो मैंने चॉइस किया था वो ढूंढना पड़ रहा है अभी। चलो मिसाल के तौर पे मैं इसे उठा लेता हूँ। ठीक है, शेयर पे क्लिक करने के बाद ये विडमेड में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको VN ओपन कर लेना है। VN ओपन करने के बाद आप 5-10 सेकंड की जो वीडियो मैंने आपको कहा था वीडियो के ज़रिए जो आपको बनानी है, अब आपको वो यहाँ पर प्रोजेक्ट में डालना है। ये प्रोसेसिंग चल रही है। अब आप देखें जिस तरह मैंने आपको कहा था 5-6 सेकंड शुरू में खाली रखना है और उसके बाद अपनी तस्वीर वहाँ पर लगानी है। तो इस तरह आपको देखो, अब ये यहाँ पर अब आपको प्लस के ये कैंची के निशान को दबा देना है। उसके बाद जहाँ आपने अपनी तस्वीर अपलोड की थी यहाँ पर, अब बीच वाले हिस्से को आप डिलीट कर दें और ये आखिर वाले को डिलीट कर दें। अब आपको करना क्या है, लेयर पे क्लिक करके जो ग्रीन स्क्रीन बफरिंग लोड आपको कहा था वो डाउनलोड करना है, वो ये। अब आपको इसको यहाँ लेके आना है लेयर पे। अब देखो ये लेयर पे आ, इस ग्रीन स्क्रीन को आप जब यहाँ पर लेके आएंगे आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब ये यहाँ लोडिंग से इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये लोडिंग वाला ऑप्शन थोड़ा 2 सेकंड का भी नहीं रखना है यहाँ पर। आप इसको यहाँ से इसको भी काट देना। ठीक है, अब ये ग्रीन स्क्रीन इसको बीच सेंटर में लेके थोड़ा सा बड़ा करके चौरम पे चले जाओ। चौरम पे ऊपर इन्फिनी को 0 कर देगा तो ये इस तरह आ जाएगा। जिस तरह ये देखो, सिर्फ इसको हिलाना है, नीचे वाले को आपको नहीं हिलाना। ठीक है, ये इंटेस्टिनी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह। अब आप इसका साइज़ छोटा कर दें। साइज़ छोटा करने के बाद आप देखें ये किस तरह चलेगा, ये इस तरह आएगा। जब तक आप दूसरे मोबाइल से उंगली उठा के ऐसे पेस्ट करके फेंकोगे ये इस तरह आ जाएगा। अब इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फालतू जितना। ठीक है, अब ये बन गया इस तरह। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट काटना नहीं, अभी इसका एक और प्रोसेस है जो आपको सिखाना है। सेव करने के बाद अब आपको प्लेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर प्लेट है तो वो बेस्ट है, उसकी वजह ये है कि वो आपके मोबाइल के साथ एडजस्ट करके इसको ओपन करेगा। अब एक मोबाइल में प्लेट ओपन कर लें और दूसरे मोबाइल में खाली वो तस्वीर जो वहाँ पर आपने सेट की थी, ये जिस तरह ये रही। अब यहाँ पर देखो आपको ये क्या करना है, ये प्ले करके उसके बाद इस तरह छोड़ देना है। अगर ये छोटी वीडियो है तो आप किसको करना है कि आप इसकी स्पीड पीछे कर जो इस तरह।
अब आपको करना क्या है, दूसरे मोबाइल में तस्वीर रख के उसे उंगलियों से उठा के इस मोबाइल में फेंकोगे, और आपको जो वीडियो बनानी है वो तीसरे मोबाइल से बनानी पड़ेगी, ठीक है। और एक्टिंग जो मेरी आपने टिकटॉक पे देख ली होगी।